ये हो गया मेरा नाश्ता रेडी। बस निकाल दो निकाल दो निकाल दो। अब मैं करूँगा नाश्ता। अरे चाय क्या, मैं नाश्ता करूँगा। चाय मैं नहीं पीता ना भाई, चाय नहीं पीता हूँ मैं। तो भाई आज मैं ओपनिंग करता हूँ व्लॉग की, सब बिजी है। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब आगे जहाँ में आपका स्वागत है। नहीं आप खाओ। नहीं और फ्रेंड्स ये खा रही है दो दिन पुरानी बची हुई बिरयानी। अम्मा पापा की जो दवाइयाँ हैं मदाम है वो खत्म हो चुकी है, तो हमें यहाँ से लेके कुरियर करना है। आज संडे है, देखते हैं कुरियर वाला ओपन है कि नहीं है। तो मिल गई है मम्मी पापा की, चलते हैं कुरियर वाले के पास, फ्रूट्स भी ले लेते हैं। और सामने ये रही फ्रूट्स की दुकान। तो 4 hours later हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, सभा के जानने वाले। व्हाइट लाइट को येलो कर रही हूं। लाइट की, हमारे घर की लाइट की दुश्मन है ये। लाइट पूरी चलना चाहिए, पीली होना चाहिए। कांच के ग्लासेस जैसे यूज ही नहीं होते हैं, जब मेहमान आते हैं तो यूज होते हैं, तो निकाल के वॉश करके रख देते हैं। देखिए आज हमारे यहाँ कौन आया, आप इन्हें जानते होंगे। राणा आई है, जो राणा फैशन इंडिया जो है ना, उनकी ओनर, जिनके साथ हम इतने बार कोलैबोरेशन करते हैं, उनके स्टोर भी गए थे हम मुंबई में, तो उनसे हमें मुलाकात भी करनी थी और इन्हें हमें अपने आउटफिट भी देने थे, तो वो ये लेके आ गई है। बाद में आपको डिटेल में दिखाएंगे। ये आप बहुत जल्द देखने वाले हैं मुझे और अम्मी को सेम ड्रेस में। ये नया हम गरारा लॉन्च कर रहे हैं, हमने सोचा कि आपसे ही करते हैं। न्यू लॉन्च है, अभी वेडिंग सीजन आने वाला है तो गरारा और ये सब लॉन्च करना था, तो हमने इसलिए आपसे ले आया है कि आपसे ज्यादा ट्रस्ट किससे डेवलप होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे से स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इनके पेज पे, वेबसाइट पे देखने को मिलेगा और मेरे पेज पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहन के फोटो शूट करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी को एग भुर्जी खाने थे, हम लोग बाहर गए थे, मैं रास्ते से कह दिया अपनी प्याज काट के रख दो और रिजा के लिए क्रोज। तो भुर्जी बन गई फ्रेंड्स, बस रेहान पारा पड़ ले, उसके बाद हम लोग करेंगे डिनर। यहाँ पे अम्मी ने बना दिया सैलेड और किचन की हालत आप देख रहे हैं। मिर्ची तो डाली नहीं भुर्जी में, लेकिन ठीक है, सनी मिर्ची नहीं खाता। नहीं रहना। दाल गरम कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि एकदम हलवा बन गई है। पढ़ लिया तो चलो अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं। अम्मी आप खा लिया था? रिजा आप? हाँ मैं ये खा रही हूँ। रेहान आप? अभी मैं खाऊंगा। आप अच्छी बनी है, ठीक है। एक जोक सुना, इंटरव्यू लेने वाला बोलता है आप कितने जिम्मेदार हो, तो वो कहता है मैं बहुत जिम्मेदार हूँ, घर में कुछ भी होता है तो मैं ही जिम्मेदार होता हूँ। फ्रेंड्स ले आई ये वाला। अच्छा व्हाइट बैग ले लिया? पूरा एक्सेसराइज में सिर्फ एक यही ऑफ व्हाइट कलर का बैग था, फिर भी ऐसे भी डाल सकते, ठीक है। अब अच्छा लगा। ऐसे या वैसे? ऐसे नहीं। अरे लड़कियों की चीजें तो उन्हें ही पता होगा, तो नहीं मालूम रहता। ये वाला ट्रेन में जब हैदराबाद जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारा काला वाला बहुत पुराना हो गया, कम से कम मुझे लग रहा है, नहीं तो कम 20 किलो सामान तो उसमें होता है, फालतू वाला सामान बहुत। ये वाली टी शर्ट पापा के लिए अच्छी लग रही थी, सनी के लिए शर्ट ली थी। क्या ठंड लग जाए, सनी आपके लिए लेके आया पापा। अरे तो क्या हुआ, साथ में सोना ही, कलर अच्छा लग रहा था पापा। The next day. सलाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तेरा बड़ी उम्र है। क्या कर रही? हाँ रोटी सेक की, गोभी की सब्जी बनी। अरे वाह, अरे वाह पापा, न्यू टी शर्ट पहन ली, अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रहे हो। अच्छी लग रही, जाके बोला कि बहुत अच्छी लग रही है। हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो देखो मैंने वो जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था ना स्वरूप ड्रेसिंग कलेक्शन, उनका आउटफिट पहन लिया है, तो मैंने सोचा आज मैं इसमें फोटो भी क्लिक कर लूंगी। कल हमें निकलना है हैदराबाद के लिए, फाइनली हमारी तैयारी जो है वो बन गई है। वैसे मेकअप कर लेते हैं, मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन और मैं लगा रही हूँ द डर्मा कोका 2% नायसिनेमाइड हाई कवरेज फाउंडेशन। फ्रेंड्स आपको पता है मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल है, जो कि क्या करते हैं ऊपर से हमारे जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर देते हैं, मतलब जो डार्क स्पॉट्स होंगे उसे कंसील कर लेंगे। लेकिन ऐसे फाउंडेशन बहुत कम है मेरे हिसाब से, जो ऊपर से भी आपकी स्किन को अच्छा करेंगे, साथ साथ अंदर से भी आपके स्किन को बेनिफिट देंगे। तो ये आपको हाई कवरेज तो देगा ही देगा, साथ साथ जो रूट कॉज को भी ये ट्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स या एक्ने आते हैं। परफेक्ट ब्लेंड है मेकअप का और साइंस का, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है और नायसिनेमाइड भी है। मैं यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स ये फाउंडेशन का शेड आइवरी, थोड़ा सा लेना है अपने हिसाब से और डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लेना है, और उसके बाद फिंगर से इसे अच्छे से मिला लेना है। आप एप्लीकेटर से भी लगा सकते हो। ये हाई कवरेज देता है, स्किन को इवन टोन दिखाता है, 12 आवर्स तक स्टे करता है, 12 आवर्स तक ऑयल कंट्रोल करता है। इतना अच्छा कवरेज आ गया है और फेस पे ना एकदम सेटल भी हो गया है। और फ्रेंड्स ये फाउंडेशन में ना 7 डिफरेंट शेड्स आती है आपके स्किन टोन के हिसाब से, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन को ना हाइड्रेटेड और प्लम्प रखता है, और इसमें नायसिनेमाइड भी है जो एक्ने मार्क्स और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को ना इवन टोन बनाता है। फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी जरूरी है फ्रेंड्स। ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट भी है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। आपको एक
इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जब भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना है। कोई भी प्रोडक्ट पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें। द डर्माको के प्रोडक्ट के साथ साथ फ्रेंड्स उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इसका नाम है यंग साइंटिस्ट। जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं आपका ऑर्डर वो एक बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं जिसकी वो पढ़ाई में हेल्प करते हैं। इस साल उन्होंने भूमि के साथ मिलकर 10,000 बच्चों की पढ़ाई में हेल्प की। आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे द डर्माको की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। वहाँ पे मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि SABA2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो हम लोग आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो। मोबाइल देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? मोबाइल से पढ़ाई कितना बड़ा पूरा, इसलिए मैं टीवी में लगा के पढ़ती हूँ कि फोन में देख के सर दर्द होता है। शाम हो गई है फ्रेंड्स, हम जल्दी से बाहर से अपना काम करके आते हैं। कल हमारी सुबह की ट्रेन है, फ्लाइट है। हैदराबाद जाने की अलग खुशी दिख रही है तुम्हारे मुंह पे, क्योंकि मैंने वीडियो डाला है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है हमें वेलकम करने के लिए। और सब लोग बता रहे हैं ये मिठाई खाना, सुना वहाँ के केक्स और बिस्किट इतने बहुत बहुत फेमस है और बिरयानी तो है। हाँ अच्छा लग रहा है ये। हाँ ले लो, ट्रेन में बैठना इसको। तो हमें लेना स्लीपर, क्योंकि स्लीपर हमारे पास है नहीं और ट्रेन में ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सही है फ्रेंड्स, मेरी कॉफी गिरने वाली थी। कोई बात नहीं, हम है यहाँ पे, तुम भी संभालेंगे, तुम्हारी कॉफी को भी संभालेंगे। हम लोग निकलने लगे यहाँ से और चलते हैं घर, पहुँच के आपको मिलते हैं। A few moments later, हम लोग बाहर से आ चुके थे, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग चल रही है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई लोग बाहर से आए हैं और अभी भी हमें हमसे मिलना है, तो बस वही सब चल रहा है। अभी से रजिस्टर कॉपी पूरे बिजनेसमैन बनने लगे, तभी से कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी तो बनूंगा बिजनेसमैन इंशाल्लाह। आप पीछे टाइम देख सकते हैं, अब हम आपसे मिल रहे हैं रात के 2 बजे, हमें निकलना है 5 बजे, हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स बचे हैं क्योंकि जो हमारे बिजनेस का मीटिंग चल रहा था हमने उनसे मिल लिया है, लेकिन हमें भाई से भाभी से भी उनको मिलाना था। देखिए बिजनेस करना ना एक रिस्क होता है, तो उसमें आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता है, हमारा काम है कोशिश करना। टाइम अभी हो रहा है 2:15 और अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं आपको तैयारियां भी दिखाती जाती हूँ जल्दी जल्दी। ये सूटकेस को हमें खाली करना पड़ेगा और ये लेके चलते हैं। जैसे वो करिश्मा का रोबोट था ना, ऐसे मेरे अंदर ताकत आ गई, जल्दी जल्दी खट 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 कर लूँ सब कुछ। ये साइड तुम्हारा हो जाएगा, ये साइड मेरा हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। लॉस्ट इन क्लोजेट की तरफ से आए हैं हमें ये पार्सल। ये सूट फ्रेंड्स काफी अच्छा लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहीं पहन लेंगे, वहीं पे इसकी फोटो शूट भी हो जाएगा। अरेबियन कलेक्शन से ये अबाया आया था, तो सोच रहे हैं ये भी हम वहाँ पे पहन लेंगे। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी में देखो क्या हुआ, मैं ऐसे एक हाथ से डब्बा लेके आ रही थी बैंगल्स का और ये गिर गया। आगे हो गया हूँ रेडी और सब अभी रेडी हो रही है, मैं पढ़ लेता हूँ नमाज। तो अभी फाइनल चीजें मैंने सामने रख ली ताकि मैं कुछ भूलूं नहीं। ये मेरा बैग है जो मैं भी ट्रैवल में लेके जाऊंगी, बैंगल्स तो मुझे चाहिए होती है और एक इयररिंग्स हमने रख ली अगर हमने कोई हैवी वाला सूट पहना तो। माइक है मेरा ब्लैक वाला बैग अगर मैंने ब्लैक शूज पहने तो। इसमें मेकअप है, ये मेकअप रिमूवर, ये सब कुछ भी वाइप करने के लिए। ये हमारी दवाइयों का पाउच, परफ्यूम, ग्लासेस, टेंट, चश्मा, केबल, एंकलेट अगर पहने तो, मेरी वॉच और ये एयरपॉड्स। सिर्फ लेंस मिसिंग है, लेंस नीचे है जो ऊपर लेके आए। अभी हम सारी चीजें इसमें डाल लेते, साथ में अमरूद भी खाते जाओ। फ्रेंड्स आज हमने शू शॉपिंग भी की है क्योंकि फोटोशूट जब करना पड़ते हैं कोलैबोरेशन में, जैसे आउटफिट आता है उस हिसाब से आपके पास चप्पल जूते भी होने चाहिए। अब आया हमें फोटोशूट करना है या कोई ऐसी चीज है तो उसमें इस तरह के जो चप्पल जूते वो अच्छे लगते हैं। आपको दोनों एक एक पहन के दिखाती हूँ, अब आप बताइए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक ऊंचा एक नीचे है, तो पैर दुखने लगा मेरा। सारी पैकिंग हो गई हमारी, मतलब हमारे लिए नाश्ता बन रहा है क्योंकि उस ट्रेन में पेंट्री कार है नहीं है, हमने सोचा कुछ घर से ही बना के लेके चलते हैं। हम खाएंगे कैसे ये पराठे, अचार से या फिर आप बताओ अंडे की भुर्जी? नहीं नहीं अचार ठीक है। मुझे तुम्हें क्या पसंद है, पराठे या पूरी? पूरी। जल्दी में बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, जीरा पड़ता है या अजवाइन पड़ती है? कलौंजी पड़ती है, कलौंजी नहीं पड़ती। आपने जल्दी जल्दी वाला गूंदा है वरना मैं एकदम चिकना मलाई करके गूंदती हूँ, मैं पेड़े डायरेक्ट पूरे बना लेती हूँ, तेल गर्म हो गया, ज्यादा मलाई के चक्कर में रहूँ तो ट्रेन अलग छूट जाएगी हम लोग। आखिरकार मैंने टिफिन ढूंढ लिया क्योंकि टिफिन मिल नहीं रहा था। फूल क्यों नहीं रही? फूल तो रही है, ये अलग अलग जगह से फूल रही है। ठीक है जो है सब सही है। टीम वर्क फ्रेंड्स, टीम वर्क में यहाँ पे पूरी निकालते जा रही हूँ, सनी यहाँ पे डब्बा धोते जा रहे हैं। क्या करना जल्दी बताओ, नहीं आपसे ऐसा थोड़ी बना ली है, अब तेल गरम है फिर से थोड़ी और बनानी है, दोनों दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो इसमें ऐसे घी लगाते जाना है, तो आप ऐसे गोल गोल बना के देते जाओ भैया। अभी आधा घंटा है फ्रेंड्स,
आधा घंटा पता नहीं चलेगा, आधा घंटा है क्या टेगा देख, छोटा छोटा रोटी की तरह, एक तो बना ऊपर से भगा रही हूँ यहाँ से पूरी। फ्रेंड्स आप देखो ऐसा कोई पेड़ा बनाता है, ये देखो उसको अच्छे से मिक्स भी नहीं कर रहे हैं। झूठ, ये देखो ये, हाँ ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से गोल तक नहीं किया है। ऐसा है अपने काम खुद कर लो, ठीक है ठीक है जाओ। अरे इतना बड़ा बड़ा बना दो इकट्ठा, इतना बड़ा पूरा कोई कैसे बनाएगा, बना लो ना, जैसे बनेगा वैसे तो पूरी बनती है। जब मैं लेट हो रहे हैं तो हमको जल्दी निकलना है, जल्दी बना लो खत्म बात, बिल्कुल परफेक्ट बनाना है तुम्हें। इतनी अजीब शेप में बन रही है फ्रेंड्स, जब हम खाएंगे ना तभी आप देख लो। भाई पेट में जाना है, कोई नुमाइश नहीं करनी, उड़ी गई वहाँ पे हमें। ये कहाँ मिले? तुम्हारे बैग में। ये पूरे ट्रेन के इतने सारे फ्रेंड्स देखिए, ऐसा होता है जब भी हमें राजधानी में अचार मिलता था तो हम एक अचार से सब लोग शेयर करते थे और मैं अपना बचा के रख लेती थी। तुम्हारे वाले काम आ गए और आज काम आ गए कि ये अचार ऐसे मिलता भी नहीं, मिलता है। और ये मैं रखती थी रिजा के लिए, ये आटा बचा हुआ फ्रिज में रख। चलो भाई होते एक है, बाकी छोटा वाला बैग में लेके आता हूँ। पूरियां बन गई है जैसे तैसे, इसमें रख लेंगे। दबा दबा के रख दूँ, गरम है तो ये हो गई पूरियां। अचार 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 मुझे तो जब से हम ट्रैवल कर रहे हैं मैंने पहली बार ट्रेन का खाना खुद से बनाया, क्योंकि राजधानी में फ्रेंड्स घर से लेके जाने की जरूरत ही नहीं होती है, मिल जाता है। तुम्हारे पसीना आ गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं, निकलते हैं, हो गया टाइम। यकीन ही नहीं हो रहा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम लाइफ में पहली बार हैदराबाद जा रहे हैं जिसके हम वीडियोस देखते थे। हमारा सफर आसान है। हैदराबाद वालों जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। हेलो मॉडलिंग, तुम और कर लो मॉडलिंग, दर्द हो रहा है पैर में? तो सोरेन साहब ने पूछ रही हूँ कि ये एप्पल और बनाना ले लूँ पन्नी में, क्योंकि ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा। फिर अपने बैग में डालो, चाकू भी लेना पड़ेगा। नहीं चाकू होगा नहीं, यहाँ से हाथ से खा लेंगे। मेरे दांत की वजह से। तो फिर केला रख लो, फिर लंच भी ले लिए, फिर उसमें केला और एप्पल रख लिए। नहीं हमने कहा हम बना लेंगे। देखो चलो, हो गया चलो, मिलना चलते जाओ, केला मेरा ऐसा है कि मैं हूँ पंचुअल बहुत टाइम में, और मेरा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि अगर कहीं ट्रेन हो या मेरी फ्लाइट है तो मैं हमेशा 2 से 2.5 घंटे पहले पहुँच गया हूँ। तो तुम्हारी क्या है, लास्ट मोमेंट पे पहुँचो, भागो भागो जल्दी। हाँ वो अपने से नहीं होता भाई, छह भी नहीं बजा फ्रेंड्स और हम स्टेशन के बाहर पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा में जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये बात सही है कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं थायराइड की दवा अभी खा लूं या एक बार जब सो जाऊंगी फिर उठूंगी फिर खाऊं। उठना सो के फिर खा लेना। यहाँ पे बन रहा है भुर्जी पाव और चाय। चाय ये आ गया मेरा नाश्ता। हमारी ट्रेन यहीं से बन के चलती है और विशाखापट्टनम तक जाएगी। हाँ। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हमें जाना है 2 पे, और वहाँ पे आगे एस्केलेटर, कैसे चढ़ोगी? नहीं चढ़ेंगे। हाँ चलना पड़ेगा। नहीं फाइनली अपना डिब्बा आ गया भाई। हाँ बेटा ये नीचे दो सीटें, ट्रेन चल रही है, अब हम जा रहे हैं सोने। वालेकुम, हो गई सुबह? ये ट्रेन इतनी तेज भी नहीं चलती है। उठते साथ करी निकाल मेरी पूरी। पूरी यहाँ से हमें थाली भी मिली है, मिली खरीदी है हमने ये। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच हो चुका है और पुराने बचपन के दिनों की याद आ गई है, जब ट्रेन में जाते थे अम्मी पूरी बना के लेके जाती थी, खाते थे, कितना मजा आता था ना सबके साथ। ये इसका क्या हाल हो गया, गर्मी की वजह से पिछड़ा पड़ गया। वो ये है काला बुरागी जंक्शन, और ये देखिए सामने ये मार्बल के पहाड़ टाइप के, यहाँ से मार्बल निकलता है। तो फ्रेंड इस वक्त हम बाड़ी जंक्शन पे, यहाँ पे अंदर सो रहा है। तो चलिए भाई हमारी ट्रेन चल रही है लिंगमपल्ली से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइनली मैं सो के सब कुछ करके उठ चुकी हूँ। अब मैंने सोचा है कि अब ब्लॉग बनाने की जिम्मेदारी दे लेती हूँ मैं, क्योंकि सनी काफी टाइम से मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कल से ही अच्छे से पूरा ब्लॉग बना रहे हैं। मैंने कहा अब आप इंजॉय करो, अब अपनी फेवरेट सिटी पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह हैदराबाद। बाकी थोड़ा थोड़ा तो ये प्लीज आप लोग बताइए कि मेरा ब्लॉग बनाना कैसा लगा, क्योंकि मैंने बनाया पूरा ब्लॉग बनाया, मैंने कंटिन्यू हुआ। थैंक यू सो मच। टाइम हो रहा है वो 9:05 हो रहा है, ट्रेन हमारी आधे घंटे लेट है। चलो भाई आप सामान निकाल के रख लेते हैं। मैं उठी थी तो सीट दबी हुई है, उठ गई। सनी का बैग, हमारा एक सूटकेस, दोनों का। हम ज्यादा सामान लेके नहीं ट्रैवल करते फ्रेंड्स, हम समझदार होते जा रहे हैं, बस वापस में एक ही है। फाइनली रीचिंग आवर डेस्टिनेशन, स्टेशन आने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम इस वक्त सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। Thank you.
गुना ज्यादा भीड़ है। हिंदी ज्यादा नहीं मालूम भाई? थोड़ा मालूम है। यहाँ पे क्रिकेट मैच नहीं दिख रहा आज, नहीं देख रहा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद सिटी ऑफ पर्ल्स। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत चहल पहल है। मुझे ऐसी चहल पहल वाली जगह अच्छी लगती है। भीड़ थोड़ी ज्यादा थी स्टेशन में, ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन अच्छा लगता है, इंसान होना चाहिए, लोगों से ही तो रौनक होती है। लोग सब इधर उधर जा रहे हैं, अपने पता नहीं किधर जा रहे हैं, लेकिन सब भाग रहे हैं। ऐसा मुंबई में भी दिखा था जब हम पहली बार मुंबई आए थे, लेकिन पहली बार हम लोग यहाँ भी इसलिए लेकिन मुंबई से भी ज्यादा भीड़ लगी मुझे स्टेशन में, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में। सनी का जो कजन है ना शारिक, सनी के खाला का बेटा, तो वो आ गया हमें रिसीव करने के लिए। अभी हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। मुंबई लोकल की तारीफ हो रही है। आप मुंबई लोकल में गया? हाँ गया। ये ट्रेन और दूसरा ट्रेन, दूसरा वो पांच ट्रेन हो मालूम नहीं कैसे आए थे कैसे जाने। तो हम पहुंच गए अपने होटल। देखना वीडियो आपका भी आएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको अभी देगा अपना चैनल का नेम। मेरा भी चैनल है। आपका भी चैनल है? अरे भाई, नाटक करते। हाँ नाटक ड्रामा चैनल होगा, तेलुगु वाला चैनल है भाई का, और BBM क्रिएशन के नाम से। तो हम भी उनका देखेंगे और आप सब भी देखना। ये है चैनल, ये चैनल मैं आपको बताता हूँ अपना चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3.3 मिलियन ओके थैंक यू बाय। तो हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, और अब चलते हैं अंदर। कैन आई टेक माय वीडियो? थैंक यू। फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है हमारी, अब चलते हैं। थैंक यू। ये नेदरलैंड की टीम थी। किसकी? नेदरलैंड। अच्छा, अरे कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अपने रूम पे आ गए हम, क्या हुआ, एक ही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैदराबाद, हम लोग पहुँच गए अपने होटल, और हम लोग पहुँच गए अपने रूम। अभी इसके बाद हम लोग निकले जाएंगे कुछ खाएंगे। फ्रेंड्स हमें इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, हम काफी टाइम से बना रहे हैं। अब फिर नया जो है वो फिर हैदराबाद हमें कैसा लगता है, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, खाना कैसा है, हम सब कुछ टेस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, और जिस काम से आपको वो भी बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, और उसे बहुत सारा प्यार दें। और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। रूम बिल्कुल बिगाड़ने नहीं, मैंने भी रूम टूर नहीं दिया है।